दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद YouTube चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक स्पेशल वीडियो मशरूम को लेकर। आप हमारे पीछे जो लैब देख रहे हैं, मशरूम लगा रखी है, कीड़ा जड़ी जिसे बोलते हैं, और दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली मशरूम इसे कहा जाता है। और एक छोटे से कमरे में भी यदि आप इसे शुरू करते हैं तो अच्छी खासी इनकम आप इसे कर सकते हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कितना कुछ प्रॉफिट बच जाता है, कितनी मेहनत लगती है और कैसे एक नया बंदा इसको शुरू कर सकता है। भाई साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर एक बार परिचय करवा दो हमारे दर्शकों को अपना। मैं राकेश कुमार, ये हमारा गांव VPO निनाण, तहसील वादरा, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है जी। और हम ये कीड़ा जड़ी मशरूम, इसको कोर्डिसेप्स मिलिट्रिस मशरूम बोलते हैं, जिसकी खेती लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया हम कर रहे हैं जी। ये 20x20 के रूम के अंदर, और आप जो देख रहे हो लाइटिंग वगैरह पूरा इन्वायरमेंट टेम्परेचर दे के इसकी फार्मिंग की जाती है जी। और ये एक मेडिसिनल मशरूम के अंदर आता है, जिसके अंदर अपने शुगर, अस्थमा, शारीरिक वीकनेस, सेक्सुअल वीकनेस जैसी बीमारियों के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, एज ए सप्लीमेंट होता है। ठीक है। अब भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके मन में, आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें ये काम करना चाहिए? इसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से ये देख रहे थे भी फार्मिंग के अंदर कुछ ऐसा करें कि अपने एक रोज़गार भी हो और एक अच्छी चीज़ का जो अपने समाज के अंदर डिलीवर कर सकें। तो उसी में फिर बड़े भाई साहब थे जो, उन्होंने इसमें हमारी हेल्प करी थी, उन्होंने लैब वगैरह के बारे में इधर उधर से जानकारी ली। वो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर थे गंगानगर में, तो उन्होंने अपने वहाँ पे ही लैब का इसका थोड़ा सेटअप सा लगा के कॉलेज के अंदर ही और तैयार करके देखा। उसके बाद हमने वहाँ से ट्रेनिंग लेके और ये फिर हमने खुद यहाँ शुरू कर लिया था गाँव के अंदर। ट्रेनिंग का जैसे आपने जिक्र किया, तो इसकी ट्रेनिंग का क्या कुछ सिस्टम रहता है, कितना समय का ट्रेनिंग इसकी होती है, तब जा कर के जो फ्रेशर बंदा है इसके लायक बन जाता है? ट्रेनिंग का वैसे तो देखो इसकी कोई वो इतना ज़्यादा कोई टेक्निकल वाला काम नहीं होता। अभी ठीक है, थोड़ा अगर टिश्यू कल्चर बैकग्राउंड से, बायोटेक या उस बैकग्राउंड से अगर कोई बंदा है तो उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। वैसे 2 या 3 दिन का वो ट्रेनिंग का होता है, उसके बाद थोड़ा वो अपनी प्रैक्टिस से वो सारी चीज़ें हल हो जाती है। तो 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग होती है इसकी, कोई खास ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। तो उसमें अपने टिश्यू कल्चर का, लिक्विड कल्चर कैसे बनाया जाता है, स्पॉन कैसे तैयार होता है, ऑटोक्ले वगैरह मशीनों की हैंडलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर 2 दिन में कवर हो जाती है। कीड़ा जड़ी मशरूम है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा, ये है क्या और बनाने का क्या प्रोसेस, यानी कैसे तैयार होती है ये कीड़ा जड़ी मशरूम है? ये जो अपने मेनली इसको कीड़ा जड़ी इसीलिए बोलते हैं कि जो इसकी एक रो प्रजाति होती है जिसको कोर्डिसेप्स साइनेसिस बोलते हैं। तो जो अपने हिमालय पर 3 से 4 हज़ार मीटर की हाइट के ऊपर जहाँ बर्फ और होती है उस क्षेत्र में, चीन में, नेपाल में, वहाँ पे इसकी पाई जाती है, जो कीड़े पर ग्रो करती है नेचुरली। ठीक है। उसी की दूसरी प्रजाति इसको कोर्डिसेप्स मिलिट्रिस बोलते हैं, और ये अपने लैब के अंदर इसको ग्रो कर सकते हैं। एक इन्वायरमेंट देगी इसको, लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, 75 डिग्री ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। इसके अलावा लाइट का, इसके 12 घंटे आवर लाइट देनी होती है, ट्यूबलाइट से देते हैं। और इसको ग्लास जार के अंदर, जैसे अभी आप देख रहे हो तो बोतल के अंदर ये नीचे ग्लास जार, ये इसके अंदर ब्राउन राइस होता है, ठीक है, उसके ऊपर न्यूट्रिशन वगैरह डाल के और इसका कल्चर, लिक्विड कल्चर तैयार करके वो डाला जाता है। 2.5 से 3 महीने के अंदर ये तक पक्के तैयार हो जाती है, इसके बाद उसके ऊपर से तोड़ के और ड्राई करके और उसके बाद यूज़ किया जाता है सीधा। अपनी वीडियो देख करके कोई भाई के मन में आए कि इस तरीके से क्या हम भी कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल होता है? हाँ बिल्कुल, अगर कोई भाई करना चाहे तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखो मेहनत हर चीज़ के अंदर होती है, थोड़ी सी अपने इंडिया के अंदर क्या है, सबसे बड़ी इस मतलब मशरूम के साथ दिक्कत ये है कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को जागरूकता नहीं है क्या कैसे है। बाकी इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार है, 1.5 साल से हम दे रहे हैं, जो लोग यूज़ भी कर रहे हैं तो उनके अंदर बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट मिले। तो जो भाई करना चाहे तो उसके लिए सबसे तो ये है भी 8 से 10 लाख रुपये ये मान के चलो इसका लैब कॉस्टिंग आती है। उसके अलावा भी इसको ग्रो कर लिया तो मार्केटिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, अभी लोगों के दिमाग में उनको अवेयर करना फिर उनको वो सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं अभी कोई मार्केट नहीं है इसका भी अपने वहाँ से ये निकाला और वहाँ जाके बेच जाए, फिर वो अपने खुद वो मार्केटिंग का वो करना। यानी नॉर्मली जो किसान मोटी खेती करते हैं, ग्वार बाजरा जो भी है, उनकी एक फिक्स है अभी वहाँ मंडी में ले जाकर अपने बेच सकते हैं, लेकिन इसकी मार्केटिंग अपने को तलाशनी पड़ेगी, उसके बाद ही अपने काम सक्सेस होगा। इसका मार्केट खुद बनाना पड़ेगा जी, लोगों तक जाना, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, लोग हैं जिनको दिक्कत है, जैसे भी किसी भी थ्रू से उन तक पहुँचना, उनको समझाना, धीरे धीरे ये चीज़ अवेयरनेस आएगी तो लोग अपने आप लेंगे। विदेशों में कम से कम 15 से 20 साल मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गए, वहां पे लैब के अंदर पर्टिकुलरली जो इस तरह की फार्मिंग हो रही है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कोरिया है, इन देशों के अंदर सालों से हो रही है, USA इंग्लैंड के अंदर भी होती है, तो वहां पे वो अपनी डेली डाइट के अंदर एज ए सप्लीमेंट इसका यूज करते हैं।
ठीक है। हाँ तो अपने वो थोड़ी सी है लोगों की, वो भी मेडिसिन है कोई ऐसे है, इसको ले लिया महीने में ठीक हो गए, तो वो नहीं है लॉन्ग टाइम का, इसका थोड़ा सा रहता है कि कम से कम 5-6 महीने बंदा रेगुलर ले तो उसके अंदर अच्छे रिजल्ट है इसके। आपने जिक्र किया हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में इसका, तो क्या कुछ फ़ायदे शरीर के अंदर दे सकता है अपने को नॉर्मली, अगर एक बंदा स्वस्थ बंदा अगर इसको यूज में करे? इसको अगर आप गूगल पे सर्च भी करो भी कोर्डिसेप्स मिलिट्रिस क्या है, तो आपको हज़ारों रिसर्च मिल जाएगी जो हर बीमारी के अंदर इसका कैसे यूज़ होता है, कितना यूज़ होता है। इसके अलावा इसको इम्यूनिटी और एनर्जी बूस्टर बोला जाता है, यानी एक तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, दूसरा अपने को एनर्जी देता है। इसके अंदर एडेनोसिन होता है जो अपने को डायरेक्ट एनर्जी देता है, कोर्डिसेपिन होता है जो इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाता है, इसके अलावा प्रोटीन है, विटामिन सी है, सोडियम वगैरह, मतलब जो अपने एमिनो एसिड अच्छी खासी मात्रा के अंदर, पॉलीसेक्राइड्स है वो अच्छी खासी मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, तो जो इसका सबसे बड़ी इसकी मतलब वो खूबी है। इसके अलावा अगर आप बात करें शुगर की, डायबिटीज़ है, और इसके अलावा अस्थमा, एलर्जी हो गई, सेक्सुअल डिजीज है किसी तरह की, या अपने जो कोलेस्ट्रॉल बीपी की दिक्कत है, उसके अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। और काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको हमने दिया है और वो यूज़ भी कर रहे हैं, कोई 4 महीने से, कोई 6 महीने से, किसी ने बंद भी कर दिए, तो उनको बहुत बढ़िया इस चीज़ के रिजल्ट मिले इन बीमारियों के अंदर। अगर नॉर्मल व्यक्ति लेना चाहे तो वो ले सकता है। इसके अलावा जो अपने घर में बुजुर्ग होते हैं जो 50+ 55+ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा उनमें दिक्कतें रहती है किसी न किसी तरह की, तो उनके लिए तो और बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि उनकी एनर्जी है, खाने पीने का वो पूरा सिस्टम रखते हैं, तो वो बहुत बढ़िया उनके लिए थी सबसे अच्छी। भाई साहब अगर बात करें आज के इस टाइम में, शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो टोटली स्वस्थ है, अपनी कोई ना कोई दिक्कत उसको अक्सर रहती है, तो अगर नॉर्मली इंसान इस चीज़ को सेवन करना चाहे अपने हिसाब से, तो कितनी उसकी डाइट में उसको यूज़ करे, और खर्चे के बारे में अगर जानना चाहें तो क्या कुछ कॉस्ट उसकी आ जाएगी? ये देखो कॉस्ट तो यूँ मान लो बिल्कुल भी नहीं है, 2 पीडी के बंडल से भी कम कॉस्ट है इसकी डेली की, 2 से 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसका खर्चा आता है। 2000 रुपये की हम 30 ग्राम सेल करते हैं अभी जो कर रहे हैं वो, तो डेली 1 ग्राम उसको लेनी होती है। सुबह खाली पेट है, जैसे 1 गिलास पानी बॉयल किया उसके अंदर 1 ग्राम डाल लिया, और वो 10 मिनट के अंदर जैसे पानी गुनगुना हो जाए, उसके बाद वो पानी पी लो और वो ये पत्तियाँ होती है इसकी सूखी चबा के खा लो, सिर्फ 1 ग्राम डेली लेनी होती है। उसके बाद अपने कुछ नहीं करना, न इसके कोई परहेज है अभी ये दवाई ले रहे हैं, कोई परहेज है कुछ साइड इफेक्ट से, ना कोई साइड इफेक्ट अभी तक हमारे सामने है, ना कोई परहेज। आप अगर कोई एलोपैथिक दवाइयाँ चल भी रही है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, वो धीरे धीरे वो अपने आप बंद भी हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ यानी नॉर्मल इससे पहले जैसे अक्सर देखा जाता है आजकल घरों में मोटापा, बीपी, शुगर, ये ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, तो अगर उनका पहले से कहीं से ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके साथ भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ये जैसे हम कहते भी हैं शुगर वाले जो मोस्टली हमारे शुगर है, अस्थमा के इस या वीकनेस के जो पेशेंट आते हैं, तो शुगर वालों को तो हम कहते भी हैं भी एक बार वो दवाइयाँ बंद नहीं करें, क्योंकि धीरे धीरे जैसे वो 1 महीने लेके अपना टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं तो वो डोज है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और 5-6 महीने में टेबलेट तो मोस्टली बंद हो जाती है, और इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं तो उनमें भी काफ़ी हद तक मतलब यूँ मान लो भी 5-6 महीने में 50-70% तक हमें रिजल्ट मिले हैं उसके अंदर, उसको ठीक हुआ है। तो वो ये चीज़ें इंसुलिन के इंजेक्शन ये मान लो भी अगर बंदे के 50% भी कम हो गया तो कितना फ़ायदा है। और टेबलेट तो ये है जो मेटफॉर्मिन वगैरह जो डायबिटीज़ के पेशेंट लेते हैं, तो शुरुआत में तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे वो बॉडी को इतना खोखला कर देती है। डायबिटीज़ तो एक यूँ मान लो दिमाग की तरह, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो है ही, बहुत ज़्यादा है उसका किडनी और कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीपी। डायबिटीज़ के पेशेंट को सबसे ज़्यादा ये दिक्कतें शुरू हो जाती है 5-6 साल के अंदर अंदर, इतनी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी काफ़ी अभी हमारे इधर से फ़ोन आते हैं काफ़ी जो किडनी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनकी किडनी के जी फेल हो रखी है, तो उतनी तो उसमें भी आप वो कह रहे जी दे दो साथ में चलता रहे, तो इस तरह काफ़ी पेशेंट ले रहे हैं इस चीज़ का, तो ये उस चीज़ में बहुत बढ़िया है डायबिटीज़ के लिए और इस तरह की बीमारी। ठीक है, और लेने का तरीका और वो चीज़ें और माकोर्डी के नाम से आता है जी, तो इसके अंदर 1-1 ग्राम की 30 पाउच होती है, 1 पाउच डेली लेनी होती है, सुबह खाली पेट गर्म पानी उबाला उसके अंदर 1 गिलास के अंदर डाला 1 पाउच, और 10 से 15 मिनट में जैसे पानी गुनगुना पीने लायक हो जाए वो पानी पी लो बस सीधा। ठीक है, हाँ जी, उसके 15-20 मिनट बाद में कुछ खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका कोई पच परहेज और कुछ? ना ना, इसका कोई परहेज नहीं है, ना कोई इसका साइड इफेक्ट। अभी आपको कोई दिक्कत है उसका अगर कोई परहेज रख रहे हो वो रखते रहो वो बेस्ट है, इसका पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है जी। अच्छा भाई साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर कोई नया बंदा इस तरीके की ये फार्मिंग शुरू करना चाहे, तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम भी होता है, कोई सीजन भी होता है कि इसको उस समय में शुरू करना पड़ेगा?
नहीं नहीं वैसे देखो ये इंडोर फार्मिंग होती है, अपने पूरा टेम्परेचर लाइट ह्यूमिडिटी अपने कंट्रोल करके इसके अंदर करते हैं जी। तो इसलिए इसका वैसे तो कोई टाइम नहीं है, साल भर हम पूरी साल कर सकते हैं। लेकिन अगर नए लेवल पे अगर कोई करना चाहे तो वो शुरुआत हम चाहेंगे सर्दियों के सीज़न में करें, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर की वजह से अपनी कॉस्टिंग कम आती है, लाइट का खर्चा बहुत कम आता है। तो सबसे बेस्ट है जैसे अभी देखो 45-48 टेम्परेचर चला जाता है, उस 48 को हम 2 AC चलते हैं तब जाके वो 20 भी आता है, तो पूरे दिन लाइट का रहता है। अगर 10 मिनट लाइट चली भी गई तो अपने को जनरेटर लगाना पड़ता है, यानी रूम टेम्परेचर जरूरी है। हाँ रूम टेम्परेचर तो सबसे इम्पोर्टेंट मेन मतलब है ही वो, इसलिए इसके अंदर बोतल आने के बाद टेम्परेचर ही सबसे मेन चीज़ है। ठीक है वो नहीं, अब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये दोनों बिगड़ गए तो फिर सारा खेल बिगड़ जाता है। अभी बात करें जो कितने दिन की फसल है ये लगाने के बाद, कितने दिनों बाद अपने को प्रोडक्शन देना शुरू कर देगी? ये लगाने के 2.5 से 3 महीने के अंदर लगभग, ये मान लो 75-70 डेज के अंदर अपने ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है। बस उसके बाद हार्वेस्ट करो, ड्रायर होता है, ड्रायर के अंदर इसको कम टेम्परेचर के अंदर 35-40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 17-18 घंटे में ये ड्राई होता है। ठीक, एक बार ड्राई होने के बाद इसको ड्राई जगह पर रखो, न इसकी कोई सेल्फ लाइफ होती है, 2 साल तक ही ख़राब नहीं होता ये। ठीक, पैक करके रख दो बस। यानी इसको उगाने के बाद कटाई के बाद सुखाओ और पैकिंग करके रखो। हाँ सूखा हाथों हाथ इसको जैसे बोतल से निकाला, इसको ये ऊपर से तोड़ी फ्लिक्स, उसके अलावा सीधा इनको ड्रायर के अंदर ले जाओ। ड्रायर के अंदर ये 15-16 घंटे लगते हैं, कभी 18 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 35-40 डिग्री टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर इसको ड्राई करना पड़ता है। एक बार ड्राई होने के बाद इसको पैक करके रख दो, उसके बाद कुछ नहीं बिगड़ता इसका। ठीक, क्योंकि जब तक ये इस कंडीशन में है हार्वेस्टिंग से पहले ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उस टाइम अपने को पूरा प्रोटोकॉल वगैरह हर चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, लेब सैनिटाइज का, इसके अलावा प्रॉपर ड्रेस वगैरह पहन के, हर मतलब एक प्रोटोकॉल होता है इसका, उसके अंदर ही रह के इसके अंदर काम करते, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। किसान भाइयों उम्मीद करूंगा राकेश भाई साहब ने जो चीज़ें हमें बताई आपको पसंद आई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट शंका या सवाल है तो आप अपना सवाल वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हमारी भरपूर कोशिश रहेगी आपके हर एक कमेंट का जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाए। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अधिक लाइक व शेयर जरूर करें, और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई साहब धन्यवाद। धन्यवाद।